साथियों, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक बेस्ट सोलर चार्ज कंट्रोलर के बारे में जानकारी देने वाला हूं। और ये सोलर चार्ज कंट्रोलर आपके हर बैटरी पर काम करेगा, चाहे आपकी लेड एसिड बैटरी हो, लिथियम आयन बैटरी हो या फिर लिथियम आयरन फास्फेट बैटरी हो, सबके लिए ये सोलर चार्ज कंट्रोलर सबसे बेस्ट है और इसका प्राइस भी काफी कम है। तो मेरे हिसाब से इससे अच्छा और इससे सस्ता सोलर चार्ज कंट्रोलर आपको मार्केट में कहीं नहीं मिलेगा। तो इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। इसका कनेक्शन कैसे करना है, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। और इस सोलर चार्ज कंट्रोलर का बाइंग लिंक नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है, तो आप डायरेक्टली वहां से परचेस कर सकते हो, आपको भटकने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। नमस्कार, मैं हूं विजय प्रकाश गुप्ता और आप इसमें देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल विजय टेक आइडियाज को। साथियों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बने बेल बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए, ताकि मैं जैसे ही कोई नई वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप उसको भी देख पाए। और अगर आप इस वीडियो को फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम से देख रहे हैं तो उसको भी फॉलो करके मुझे भरपूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं बेहतर से बेहतर टेक्निकल वीडियो आप सभी लोगों के लिए लाता रहूं। तो ये है सोलर चार्ज कंट्रोलर का बॉक्स और इसको मैंने फ्लिपकार्ट से परचेज किया है। ये जो है आपको 12 वोल्ट और 24 वोल्ट दोनों बैटरी के लिए सपोर्टेड है और ये 10 एम्पीयर, 20 एम्पीयर, 30 एम्पीयर, 40 एम्पीयर, 50 एम्पीयर, 60 एम्पीयर, 80 एम्पीयर और 100 एम्पीयर में भी अवेलेबल है। तो मैंने 30 एम्पीयर का ये मंगवाया हुआ है। इसका बॉक्स कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगा जब आप दिए गए लिंक से परचेज करोगे। ब्रांड नेम इसका मिसेल है, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। सोलर चार्ज कंट्रोलर लिथियम बैटरी को भी सपोर्ट करता है, यानी लेड एसिड बैटरी, लिथियम आयन बैटरी, लिथियम आयरन फास्फेट बैटरी को भी ये अच्छी तरह से चार्ज करता है। इसकी क्वालिटी काफी ठीक ठाक है। तो मैं बॉक्स से इसको बाहर निकालता हूं। इसका हर एक डिटेल आपको मैं बता दूं, ये देख लीजिए, इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। इससे पहले भी मैंने एक सोलर चार्ज कंट्रोलर मंगवाया था जो कि अभी तक काफी अच्छा वर्क कर रहा है, काफी अच्छे से चल रहा है। वो सोलर चार्ज कंट्रोलर AMC स्मार्ट का था, तो उसका प्राइस थोड़ा ज्यादा है इस सोलर चार्ज कंट्रोलर से। तो उसका भी बाइंग लिंक आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप चाहो तो उसे परचेज कर सकते हो या फिर इसे परचेज कर सकते हो। दोनों का फंक्शन आपको सेम मिलेगा, वो ब्रांडेड होने के नाते से थोड़ा महंगा है। इस सोलर चार्ज कंट्रोल पर किसी भी कंपनी की ब्रांडिंग नहीं मिलेगी, तो इसलिए इसका प्राइस भी सस्ता है। बाकी फंक्शन दोनों का सेम है। तो ये देख लीजिए, यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे हैं, लिथियम बैटरी, लेड एसिड बैटरी, लिथियम आयरन फास्फेट बैटरी, यानी ये तीनों बैटरी के लिए काफ़ी ज़्यादा बेस्ट सोलर चार्ज कंट्रोलर है। और मार्केट में जो आपको मिलता है वो सिर्फ और सिर्फ लेड एसिड बैटरी के लिए होता है। तो अगर आपका 250 से 300 वाट का सोलर पैनल है तो उसके लिए ये सोलर चार्ज कंट्रोलर काफ़ी बेस्ट है। और इस चीज़ का आपको ख्याल रखना है कि 24 वोल्ट सिर्फ लेड एसिड बैटरी में ही सपोर्ट करेगा, यानी लिथियम आयन बैटरी में इसे 24 वोल्ट नहीं लगाना है, ना ही लिथियम आयन फास्फेट में 24 वोल्ट लगाना है। लिथियम आयन फास्फेट या लिथियम आयन बैटरी लगा रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ आपको 12 वोल्ट की सप्लाई देनी है, यानी 12 वोल्ट की बैटरी लगानी है। और अगर आप लेड एसिड बैटरी लगा रहे हैं तो 12 वोल्ट और 24 वोल्ट दोनों बैटरी को लगा सकते हो। इस सोलर चार्ज कंट्रोलर का ये पूरा डिटेल आपको मिल जाएगा। यहाँ से वायर का कनेक्शन होगा, यहाँ से इनपुट रहेगा, यहाँ से नट वोल्ट को टाइट करके आप वायर को अच्छी तरह से फिक्स कर सकेंगे। और यहाँ पर देख लीजिए, रेटेड वोल्टेज 12 वोल्ट 24 वोल्ट, रेटेड करंट 30 एम्पीयर, मैक्सिमम पैनल वोल्ट 50 वोल्ट। इसमें जो मैक्सिमम सोलर पैनल का वाटेज आप लगा सकते हो तो वो देख लीजिए, यहाँ पर लिखा गया है मैक्सिमम पैनल वोल्ट इनपुट पावर जो है, अगर आप 12 वोल्ट की बैटरी लगा रहे हो तो 390 वाट का सोलर पैनल इस पर चल जाएगा अच्छी से। और अगर आप वहीं पर 24 वोल्ट की बैटरी लगा रहे हो तो 780 वाट का सोलर पैनल इसमें लगा सकते हो। तो ये काफ़ी बेस्ट है इतने कम प्राइस में। प्राइस मैं आपको बता दूँ, ये आपको 400 से 450 रुपये के बीच में मिल जाएगा। फिलहाल ये मुझे 397 रुपये में मिला था जब मैंने इसे परचेज किया था। तो बाइंग लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां से आप परचेज कर सकते हैं। प्राइस थोड़ा ऊपर नीचे होता रहता है। और यहाँ पर दो USB चार्जिंग सॉकेट मिलता है, यानी मोबाइल चार्ज करने के लिए। तो ये जो है 2.5 एम्पीयर का प्रत्येक है, तो फास्ट चार्जिंग इसमें सपोर्ट करता है, तो ये भी काफ़ी अच्छी बात है। और यहाँ पर तीन बटन दिए गए हैं बैटरी को सेटअप करने के लिए, जैसा कि देख लीजिए, यहाँ से बैटरी का सेटअप आप कर पाएंगे, B1, B2, B3। तो इसके पेपर पे सारा डिटेल लिखा गया है, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं रह जाएगा अगर आप इसे लेते हैं। तो देख लीजिए, यहाँ पर B1 लेड एसिड बैटरी के लिए है, जो कि 12 वोल्ट और 24 वोल्ट ऑटो सेलेक्ट कर लेगा। अगर आप 12 वोल्ट का लगाते हैं, 24 वोल्ट का लगाते हैं, तो आपको सिलेक्शन करने की जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिक सेलेक्ट कर लेगा। B2 लिथियम आयन बैटरी के लिए है, जो कि 3 सीरीज वाली बैटरी को आप लगा सकते हैं, जिसका वोल्ट 11.1 वोल्ट होता है। और B3 लिथियम आयरन फास्फेट के लिए है, जिसका 4 सीरीज वाला बैटरी होता है, 12.8 वोल्ट उसका
कैपेसिटी होती है। तो इस प्रकार आप इसका सेटअप करके अच्छे से लगा सकते हैं। और इसको कनेक्शन करने के लिए मैं बता दूं, सबसे पहले आपको इसमें बैटरी का कनेक्शन करना है, यहाँ पर प्लस और यहाँ पर माइनस लगाना है। तो सबसे पहले इस सोलर चार्ज कंट्रोलर में या किसी भी सोलर चार्ज कंट्रोलर में आपको बैटरी का कनेक्शन करना है, उसके बाद इस पर लोड का कनेक्शन करना है, यानी जो भी आप लोड देना चाहें, पंखा, लाइट, जो भी आप इस्तेमाल करना चाहें तो उसका कनेक्शन करिए, और लास्ट में आपको सोलर पैनल को कनेक्ट करना है। तो इस चीज़ का आपको काफ़ी ख्याल रखना है। इससे होता यह है कि बैटरी ऑटोमेटिक इस सोलर चार्ज कंट्रोलर में डिटेक्ट कर लेगा, तो आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं रहेगा, ये ऑटोमेटिक सेटअप हो जाएगा, आपको सेटअप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिलहाल अगर आप कुछ उल्टा सीधा करते हैं, यानी यहाँ से अगर आप सोलर पैनल को पहले कनेक्ट कर देते हैं तो आपको सेटअप करना पड़ेगा। तो इसका यही तरीका है कि पहले आप बैटरी को कनेक्ट कीजिए, उसके बाद उस पर लोड दीजिए, फिर बाद में सोलर पैनल को कनेक्ट करिए। और ये लाइट वेट है, काफ़ी हल्का है और काफ़ी छोटा है, तो इसे आप कहीं भी लगा सकते हो, इंस्टॉल कर सकते हो। यहाँ पर आपको हैंगिंग करने के लिए 4 होल मिल जाते हैं, तो आप इसको इजीली कहीं भी इंस्टॉल कर सकते हो, ज़्यादा जगह भी नहीं लेगा और बेहतर तरीके से आपकी बैटरी को चार्ज करेगा। मैं इसके बारे में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने MC स्मार्ट का मंगवाया हुआ है, जो कि सेम कलर है, सेम मॉडल है, बस वो MC स्मार्ट यहाँ पे लिखा हुआ है। तो उसकी क्वालिटी काफ़ी बढ़िया है, लगभग 2 साल हो जा रहा है, वो अभी बढ़िया से वर्क कर रहा है, अच्छे से बैटरी को चार्ज करता है, डिस्चार्ज करता है, तो इसलिए ये भी काफ़ी अच्छा है। इसको मैं टेस्ट करने के बाद ही आपको ये वीडियो बनाकर बता रहा हूँ। और इस सोलर चार्ज कंट्रोलर का जो लो वोल्टेज कट ऑफ है वो है 9 वोल्ट, और हाईएस्ट आपका बैटरी जो जाएगा वो जाएगा ही। ऑटोमेटिक कट ऑफ होने के नाते से आपकी बैटरी की लाइफ भी ज़्यादा रहती है, यानी अगर आप बिना सोलर चार्ज कंट्रोलर के बैटरी को चार्ज करते हो तो आपकी बैटरी फूलने का या फिर ब्लास्ट होने का टेंशन रहता है, लेकिन सोलर चार्ज कंट्रोल लगाने के बाद आपकी बैटरी बिल्कुल सुरक्षित रहेगी। तो कोशिश करिए सोलर चार्ज कंट्रोलर से ही बैटरी को चार्ज और डिस्चार्ज करें। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही ये सोलर चार्ज कंट्रोलर आपको कैसा लगा वो भी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो बहुत जल्द मिलेंगे ऐसे ही टेक्निकल वीडियो लेकर, तब तक के लिए नमस्कार साथियों, आपका दिन शुभ हो।